अपना पद जो मेरा होता है सभापति का जो हम थे वो हम रीना कुमारी को आज दे दिए हैं। जो इनका डिसीजन आज हुआ है वो सर्वमान्य है। नहीं, आज पहली बार लग रहा है कि हम सभापति नहीं है, अंदर से काफ़ी घबराहट हो रही है। अच्छा, एक दिन के लिए बने हैं, क्या कितना अच्छा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं सर, थोड़ा भी उम्मीद नहीं था। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, आज जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ऐसे में आज एक अलग तस्वीरें जो है नगर परिषद कांटी से देखा जा रहा है, जहां पर आज जो है सभापति एक दिन के लिए वहां पर बनी है और उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है। यहां पर लगातार कार्यक्रम हो रहा है, एक दिन के लिए सभापति बनी है, इनसे बात करेंगे क्या कहेंगे। आज बालिका दिवस है और आज नगर परिषद कांटी का सभापति बन गए हैं, कितना सर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं सर, थोड़ा भी उम्मीद नहीं था। नहीं, कौन उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे आज के दिन में, जो आज इतना बड़ा बहुत बड़ा पद होता है सभापति का, आज मिल गया आपको, और राजनीतिक में आना चाहिए कि जो जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वहीं सर ठीक है जी, जो जो लोग बोले हैं उसको तो सुन ही रहे हैं। और हाँ करेंगे ही, कहीं तो रहे ऐसे करेंगे। आप पक्का करेंगे कि नहीं हो तो हम खड़ा ही बात है। नाम क्या हुआ? मेरा रीना कुमारी नाम है, सर मसूर जी। अध्यक्ष जी हैं, क्या कहेंगे एक दिन के लिए इनका जो है समस्या लगातार एकदम हमारे आज के हम ही मनोनीत किए हैं सभापति, आज के लिए सभापति यही थे, तो इनका जो काम आया है एकदम बखूबी रूप से पहले प्राथमिकता देकर इनका काम पहले कर दिया जाएगा, ताकि अगली बार जब ऐसा कोई सिचुएशन आए तो ये हमसे सवाल नहीं करे कि हम सभापति जी द्वारा जो काम कहा गया था वो नहीं हुआ। इनका जो काम है, एक पुस्तकालय नगर परिषद में कहीं भी एक पुस्तकालय जरूर बनवाऊँगा, और सामुदायिक शौचालय जरूर बनवाऊँगा, और नगर परिषद में बाल विवाह न हो इसके लिए आप सभी से भी और हमारे पार्षदगण से भी अनुरोध है कि इस पर पहल करें, और निर्देश से हमारी इकाई हुई महिला वो भी उनसे भी पहल करेंगे कि आप लोग जागरूक करवाइए। और स्थानीय बाजार में सार्वजनिक शौचालय भी इनका आदेश हुआ है सभापति जी का, तो हम जरूर करेंगे। और सरकारी स्कूलों में शिक्षा में कैसे सुधार हो, सभापति जी का ऑर्डर हुआ है कि सुधार जरूर होना चाहिए, तो हम इनसे भी और सभी पार्षदों से कहेंगे कि स्कूल में कम से कम प्रत्येक सप्ताह में दो दिन कम से कम समय दे और उसके उनके बारे में पूछे कि शिक्षा में सुधार कैसे हो, वो लोग भी उन पर ध्यान दें। आज जो है आप आज सभापति नहीं है तो कितना आज हम सभापति नहीं है एक आज प्लान इंडिया के तहत आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रखा गया है, तो आज अपना पद जो मेरा होता है सभापति का जो हम थे वो हम रीना कुमारी को आज दे दिए हैं। जो इनका डिसीजन आज हुआ है वो सर्वमान्य है, जो सभापति जी डिसीजन लेंगे वो मान्य है। आज पहली बार लग रहा है कि हम सभापति नहीं है, अंदर से काफ़ी घबराहट हो रही है। एक अंतिम सवाल है मेरा, अंतिम सवाल है कि अभी तक जो है अभी बैठे हुए हैं ठीक है, अभी तक कोई भ्रष्टाचार से रिलेटिव कोई समस्या है, कोई मामला है? नहीं 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 सर नहीं। अच्छा जी जी, क्या कहें, कितना अच्छा लग रहा है कि आज आपका दोस्त आतिफ साहब बन गया, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बन गया जी। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। Yes. और कुछ बोलो आगे तो देखना चाहिए। उनका वो अपना इच्छा है ना, क्या करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम क्या कहेंगे आज जो है आपके संस्थान से एक लड़की को बनाया गया है आज का सभापति, कितना? देखिए हम लोग तो लड़कियों के उत्थान पर काम करते हैं, तो आज जो हमारी लड़कियां यहाँ तक पहुँची है तो हमको काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमारी लड़कियां आगे आ रही है, तो हमें काफ़ी खुशी हो रहा है। और हमें ये प्लान के लिए सफलता का भी एक स्रोत है कि हमारी बच्चियाँ यहाँ तक पहुँच रही हैं। हौसला बढ़ता है। हाँ, बच्चियों का हौसला बढ़ता है, समुदाय का भी होता है कि हमारे समुदाय के लोग भी तो जाने कि हमारी बच्चियाँ यहाँ तक पहुँच गई हैं। सर हैं, सर के द्वारा लगातार अभी सभी लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है, हमारे साथ सर है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये काफ़ी गर्व की बात है, और मैं सभापति महोदय का जो वर्तमान में सभापति मैंने ओरिजिनल सभापति महोदय को
काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र की, सुदूर क्षेत्र की लड़कियों को ये अवसर दिया ताकि वो जान सके और उसमें विकास और खासकर गुणों का निखार कैसे हो सके, उस तरह के गुणों का निखार कैसे हो ताकि वो भविष्य में अगर बनना चाहें तो उन उन गुणों को निखार कर सके। ये काफ़ी खुशी की बात है और मैं प्लान इंडिया की तरफ से सर का तहे दिल से धन्यवाद देता, आभार भी प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को ये और हमारे समाज की लड़कियों के लिए खासकर उत्थान के लिए इन्होंने ये अवसर दिया, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम नगर परिषद में हैं और आपको बता दें कि आज जो है एक अलग तस्वीरें जो है बिहार के नगर परिषद कांटी में है जहां पर रीना कुमारी जो है आज सभापति एक दिन के लिए बनाया गया है और देखने वाली बात होगा कि किस प्रकार की समस्या आ रहा है और द्वारा कहा गया कि अभी तक तो भ्रष्टाचार से रिलेटिव कोई मामला नहीं आता है। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहें ताकि हर एक मिलता रहे, तब तक ले जाते जय हिंद जय भारत।